बुधबाधा भगाने के नाम पर विवाहिता को यौन प्रताड़ना देने का मामला उजागर हुआ है। सोमवार की रात टोंगी तांत्रिक और महिला के पति के खिलाफ यशोधरा नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। पीड़िता 35 वर्षीय विवाहिता है। आरोपी पति और आरोपी ढोंगी तांत्रिक मनीष बंजारी उम्र 45 वर्ष नरसाला निवासी है। दिसंबर 2019 में विवाहिता को उसका पति ढोंगी तांत्रिक मनीष के यहाँ देखा। मनीष किसी बैंक में सुरक्षा गार्ड है। तांत्रिक के घर में दरबार भरता है और वह लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। जब विवाहिता को उसके पास ले जाया गया तो मनीष ने उसे भूत बाधा से ग्रसित बताया। पश्चात उपचार करने के नाम पर पति के ही सामने उसे यौन प्रताड़ना देने लगा। बावजूद पति ने कभी उसका विरोध नहीं किया। सामाजिक कार्यकर्ता करते, महिला पीडित असलेल्या महिलांना अत्याचार झालेला मी तिथे सक्षमपणाने उभी राहते। आज ही मुलगी माझ्यापर्यंत अशी पोहोचलेली आहे, हिच्या भाऊजीला कोणी नंबर दिला होता, त्यांनी माझ्यासोबत कॉन्टॅक्ट साधला आणि मी हिच्यापर्यंत पोहोचली। पण ही 15 दिवसापासून पोलीस स्टेशनला येऊन थकून गेली होती। पण परवाच्या दिवशी असं झालं की मी थोडी माहिती काढली, पण ते दाखल झालं नव्हतं। पण ते काल सरांनी पूर्ण दाखल केलं आणि मुलीला न्याय मिळाला। मी मुलीला काही प्रश्न विचारले की बेटा तुला तकलीफ कोण्या गोष्टीची होती। तिच्या घरी काळे देव आहे, देवावरून तिला, तिच्या घरी प्रॉपर्टी आहे, हुंड्यासाठी तिला त्रास देणे, तिला पैसे मागणे, 9 तोडे सोनं तिच्या आईने दिलं आहे, ह्या प्रकारे तिला घटना घडत गेल्या आहे। जो श्रीकांत आहे हिचा पती, हिच्या पतीनी तिला एका तांत्रिककडे घेऊन गेलेला होता आणि तिला जसं आपण 3 टाईम औषध कसं देतो त्या प्रकारे तिला 3 टाईम पेड्या देणे, तिला औषध देणे, अंगारा देणे, ती म्हणजे एकदम बेशुद्ध राहायची, तिला काहीच कळायचं नाही। त्याप्रमाणे तिच्या अशा 1 वर्ष घटत गेलेलं, पूर्ण घटना तिच्या संग घटत गेलेल्या। एक दिवस असं झालं की ती झोपली होती, तिच्या तोंडामध्ये पूर्ण मीठ भरलं, मीठ भरून तिला म्हणजे तिच्या संग जे लिंगिककडून त्रास तिला करायचा होता तो तिच्यासोबत करण्यात आला। तिला म्हणायचं की माझ्या अंगामध्ये काळी आली, तर तिच्यामध्ये एक काळी घेतली, हा त्रिशूल आहे, त्रिशूल तिच्यामध्ये शरीरामध्ये टाकायचे प्रयत्न केले, पण ती तिथून थोडी वाचली। त्याच्यानंतर तिच्यासोबत जे लिक्विड जेंटचं असते ते तिच्या तोंडामध्ये टाकणे, तिला अंगाऱ्यामध्ये देणे, तिला उलट्या करून लावणे, तिच्या शरीरावर चावणे, हे तांत्रिक हे पूर्ण करायचे आणि हिच्या सपोर्टला पूर्ण पती होता श्रीकांत। आणि जो वंजारी आहे, वंजारीची जी मिसेस होती त्या मिसेसने पूर्ण फुल सपोर्ट तिच्या नवऱ्याला केला। हिला भेटायची, मुलीला पीडित मुलगी आहे त्या मुलीला भेटायची, तिला म्हणायची की अगर तू हे नाही केलं बेटा तर देव कसा प्रसन्न होईल तुझे, आणि तू हे प्रकरण नाही केलं तर तुझे मुलं बळी चढवतील। म्हणून त्या प्रकारे ती एकदम इतकी घाबरलेली होती की ती जसंजसं वंजारी आणि श्रीकांत म्हणत गेला तशा त्या प्रकारे ती वागत गेली। पण आज ती काहीतरी तिची आईला असं भास झाला की माझी मुलगी फोन नाही करत, माझ्या घरापर्यंत येत नाही, म्हणून तिची आई तिला भेटायला गेली। पण ती आईला नाही, बहिणीला नाही, भाऊजीला नाही, कोणालाच ओळखायची नाही, म्हणजे असं तिला काय देण्यात आलं। आणि असे तांत्रिक असे लोक असे कसे जातात आणि त्या नवऱ्याला असं वाटलं नाही की ही माझी पत्नी आहे, ही माझी 2 लेकराची आई आहे, तर हिला मी हे असं कसं हिच्या संग हे करू बा म्हणून ह्या प्रकारे तिच्या संग ह्या सगळ्या घटना घडत गेलेल्या आहे। अशा तांत्रिक लोकांना आणि जो तांत्रिकचा साथ देतो अशा लोकांना कळीच्या कळी सजा पण झाली पाहिजे, यांना तर फाशीची सजा झाली पाहिजे। मी हे 2 शब्द बोलून माझ्या शब्दाला विराम देते। विवाहिता का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होने पर उसकी माँ ने उससे पूछताछ की तो 1.5 वर्ष से यौन प्रताड़ना की शिकार विवाहिता के सब्र का बांध टूट गया और पूरी आपत्ति अपनी माँ और परिजनों को सुनाई। सोमवार को परिजन उसे यशोधरा थाने लेकर पहुँचे। देर रात प्रकरण दर्ज किया गया, जांच जारी है। नागपुर शहर के यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फिर एक बार पीड़ित महिला को जो है भूत बाधा दूर करने के नाम पर मांत्रिक से यातनाएं सहन करने पड़ रही है। हमारे साथ पीड़िता है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्हें यातनाएं दी गई है, मानसिक और लैंगिक तौर पर, क्या बताओगे? मैडम मेरे को मतलब जैसे मेरे पति ने सबसे पहले मेरे पति ने ये कहा कि अपने घर में जैसे अपनी परिस्थिति है बहुत डाउन है और अपना बहुत कर्जे में है, तो हम ऐसा करेंगे कि मेरे जो मतलब मेरे नंदोई लगते हैं, मेरे जैसे चचेरी ननद के हस्बैंड, तो वो उनके शरीर में काली माता आती बोल रहे, तो वो सब कुछ सच सच बताते हैं, तो हम वहाँ पे जाएंगे।
तो मैंने नहीं बोला, पहले मैंने विरोध किया क्योंकि मेरे को ये सब मतलब अंधश्रद्धा भी मेरा बिलीव नहीं है, लेकिन ये मेरे को बहुत इन्होंने मेरे को बहुत फोर्स किया और मतलब ज़बरदस्ती से मुझे वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे बैठक बिठाई और उन्होंने मुझे इतने डराया धमकाया, अगर तू मतलब सबसे पहले तो मेरे पर चिल्लाए एकदम से ज़ोर से, मेरे को गाली गलौज किया और एकदम अश्लील जैसे अश्लील गालियाँ देना, अश्लील तरीके से बोलना मेरे को मतलब जैसे बहुत पहले तो मेरे को उसने बहुत गालियाँ दी। फिर बाद में वो मेरे को बोला कि अपने मायके में जहाँ पे तेरे मतलब मायके में महानुभव पंत है तो वहाँ पे तू जाएगी तो तेरे बच्चे को मतलब नुकसान होगा, बच्चे तेरा बेटा मर जाएगा, बेटी पागल हो जाएगी और तेरा पति मर जाएगा, तेरा घर उध्वस्त हो जाएगा, ऐसे कह के मेरे को बहुत डराया धमकाया, मेरे से वचन लिया। मैं काली माता हूँ बोले, मैं साधारण दिखता हूँ बोले, आदमी हूँ लेकिन मैं काली माता हूँ बोले, मेरे को तेरे को वचन तू मेरे को वचन ने मेरे हाथ में हाथ रख के कि तुम अपने मायके नहीं जाएंगी जब तक तेरी माँ मतलब माँ के मैयत को भी तू जाएंगी नहीं, अगर तू जाएगी तो तेरे बच्चे से तू हाथ धो के बैठेगी। तो और मेरे को बहुत डराता था, वहाँ पे जाती थी तो मेरे को एकदम बेहोशी जैसा लगता था, एकदम मेरे को नींद आ जाती थी और मैं एकदम जैसे मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को कोई गूंगी के जैसे वो अंगारा वगैरह देता था, तो उसके वजह से मेरे को ऐसे एकदम गूंगी जैसा लगता था कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, मतलब मेरे को ऐसे नींद बहुत आती थी वहाँ पे। तो वहाँ आप जाते थे तो क्या मतलब मतलब हर रोज़ जाना पड़ता था, कैसे जाते थे, कितने दिनों से आप उनके पास जा रहे थे और वहाँ जाने के बाद आपके साथ क्या क्या होता था? वो मतलब दिसंबर के 2019 से वहाँ पे जाना चालू कर दिया हमने, मतलब मेरे हस्बैंड के मेरे को लेके जाते थे वहाँ पे। तो फिर हर संडे के वो बैठक लेता था, हर संडे को हमको बुलाता था, उसकी बीवी फ़ोन करती थी, माता ने याद किया है जल्दी आ, 10 मिनट में आ, माता ने इसके ये टाइम दिया है तू जल्दी चला आ, उसकी बीवी फ़ोन करती थी मैडम। तो फिर हम वहाँ पे वे मेरे को लेके जाता था, फिर वो ऐसे सोफे पे बिठा था और सोफे पे मैं बैठी क्यों मेरे को नींद ही आ जाती थी। और फिर वो एक बार उसने मेरे को बुलाया मैं माता हूँ ऐसे करके, पहले तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, फिर बाद में वो ऐसा बिहेव करता था कि जैसे मैं अपने आपे में नहीं हूँ, मैं देवी हूँ, एकदम पहले कभी नरम बोलना कभी एकदम कड़क बोलना, ऐसे अलग अपने अपने रूप चेंज करता था। वो बोलता था मेरे शरीर में बहुत कुछ है, मेरे शरीर में नारायण है, मेरे शरीर में काली माता है, शंकर जी है, हनुमान जी भी मेरे को दिखते हैं, लक्ष्मी देवी में यहाँ पे खड़ी है, परमात्मा वाला वहाँ पे खड़ा है, ऐसे परमात्मा वाले को जो धर्म है उसको भी बहुत गाली गलौज करते थे। जैसे आपने बताया कि आपको यातनाएं दी गई है, छला गया है, तो किस तरह से वो मतलब आपको ये करते थे, प्रताड़ित करते थे, बताइए? मैडम वो मेरे को अपने पास बुलाता था और यहाँ पे बैठ करके मेरे मतलब चेहरे से हाथ, चेहरे पर हाथ लगाना, मेरे बालों पर हाथ लगाना, मेरे गाल की किस भी की उसने मैडम। और फिर मेरे को एक बार मेरे घर में आया तो मेरे मतलब जैसे कमर पे उसने चिमटी भी ली और मेरे को टच करने की मतलब वैसे जैसे हाथ को ऐसे रखना ऐसे वगैरह वो करता था। आपके पति द्वारा इसका विरोध कभी किया गया है? नहीं, क्योंकि वो उसमें शामिल थे ना, वो ही लेके जाता था और वो तांत्रिक मेरे को अकेले में मिलने के लिए बहुत फोर्स करता था कि तू अकेले में मिलना मेरे को, मेरे हस्बैंड को बोल रहा था कि तू चला जा कामटी घूमने, इसको मेरे पास छोड़ दे, मैं इसका मतलब इसको मेरे के इसके साथ मेरे को अकेले में बात करनी है, लेकिन मैंने उसका बहुत विरोध किया। मैंने बोला कि नहीं, मतलब मैं बहुत डर गई थी, उसके जो आँखें थी बहुत भयानक दिखती थी, मैं बहुत डर रही थी उससे, तो फिर मैंने नहीं बोला। आपके पति द्वारा भी आपका मतलब चला गया है तो इसके बारे में बताइए, क्या होता था? मैडम ये जो है ये उसकी बीवी फ़ोन करती थी कि ये तेरे बीवी ने ऐसा किया है, माता ऐसी बता रही है कि ये इसके साथ बात करती है, उसके साथ बात करती है, इसका इसके किसी के साथ संबंध वगैरह है, ऐसा करके इसको हमेशा मतलब उसको बताती थी और उसका पति भी जो तांत्रिक जो मनीष वंजारी है वो। और फिर ये मेरे को ना घर जाके ये भी मेरा हस्बैंड भी बोल रहा था कि मेरे शरीर में दुर्गा माता है, वो बड़ी माता है जो आश्रम वाली जो सॉरी मांत्रिक वाली वो बड़ी माता है और मैं छोटी माता हूँ करके शरीर में देवी आई करके ये भी मेरे को मारता था।
और मतलब मेरे को हिस्सा के मेरे मायके में जो मतलब मेरे मम्मी की प्रॉपर्टी है उसके उसका हिस्से की नोटिस भेजो, उसके लिए ये मतलब मेरे को मारता था देवी आई करके। और एक बात मतलब शंकर जी भी आए करके इसने मेरे को मतलब प्राइवेट पार्ट पे त्रिशूल है करके मतलब लकड़ी डालने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उसको ढकेल दिया, इसलिए मैं आज मतलब यहाँ पे खड़ी तो भी हूँ, नहीं तो उसी समय मेरा कुछ हो जाता। मैडम बिल्कुल, जो मतलब इस तरह से यातनाएं आपको दी गई, इसके पीछे का असली कारण क्या था, क्यों इतना आपके साथ ऐसा किया गया आपके पति द्वारा? मैडम ये जो है इसने सब प्रॉपर्टी के लिए किया मेरे मायके की, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए था और मैं नहीं बोल रही थी, इसलिए मेरे को इतना प्रताड़ित कर रहा था, इतनी घिनौनी हरकत की कि मैं यहाँ पे बताने के लिए मतलब मेरी मतलब ये नहीं हो रही कि मैं बताऊँ यहाँ पे। मेरे हस्बैंड का नाम है श्रीकांत कुंबलकर, वो उन्होंने मतलब मुझे बहुत प्रताड़ित किया एक सालों में, मुझे इन्होंने मारने का पूरा प्रयास किया ही है, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था इसलिए मैं बच गई हूँ। और मैं इस इतनी दहशत में आ गई थी कि मैं आगे आने की सोच भी नहीं सकती थी, मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरे बच्चों के वो बलि चढ़ाने के बहुत मतलब हमेशा बोलता था तेरे बच्चे को कुछ कर डालूंगा, तेरे बच्चा मर जाएगा, इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी। और मेरे बदनामी की भी बहुत उसने धमकी दी, इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन मैडम सुनीता ठाकरे जो है उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और उन्होंने मुझे सहारा दिया कि आपको मतलब न्याय मिलेगा ही। प्रॉपर्टी के लिए जो है इस तरह से महिलाओं को आज भी जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है, हमने देखा कि किस तरह से है मांत्रिक का सहारा लेकर, कथित मांत्रिक का सहारा लेकर जो है इस महिला के साथ पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके लिए आप पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाती है और आरोपी जो है उन्हें किस तरह की सज़ा देती है, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।